हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भाग करने वाले हैं कि यहाँ पर देखो ऐसा वाला भाग जिसमें कि शून्य आ जाए, और इसका जब आ जाए करने के लिए तो कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दो को भाग देना है, 52031 में देना है। इसमें भाग देंगे और इसको उत्तर की जाँच भी करेंगे कि जो हमने भाग दिया है वह सही है या फिर हमने गलत किया है। ये तो ये सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अजीज, मेरा चैनल अजीज माई टीचिंग में आपका फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो पसंद है वीडियो का लाइक भी कर दीजिए। देखो यहाँ पर देखो भाग देना है 2 का 52031 में। इसको भाग देने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा जो पुराना तरीका है वैसे ही आगे हम हल करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर शून्य वाला आएगा, जबकि देखो ये दोनों अंक कट जाएगा, उसके बाद शून्य बचेगा। तो इसके आगे हमें क्या करना होगा, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम फटाफट कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखो 2 का भाग आगे हमें देना है 5 में, ठीक है। आगे पहला अंक इसका लेंगे, इसका पहला अंक है ही, इसका भाग देना है इसमें। तो पहला अंक देखेंगे, आगे चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। देखो 5 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए 2 का भाग 5 में चला जाएगा। अगर यहाँ पर जिससे भाग दिया जा रहा है और जिसमें दिया जा रहा, देखो 2 से भाग दिया जा रहा है 52031 में, और इसका क्या है अंक, पहला अंक बड़ा है तो इसलिए इसमें भाग 2 का चला जाएगा। तो 2 बार में ले जाएंगे। देखो अब इसका पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो, कम रहे, बराबर हो सकते हैं। जैसे कि 2 दुनी की 4, 2 बार में कितना आया, देखो 2 बार में 4 आया, और 3 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या, 2 बार में 4 हुआ, 3 बार में 6 हुआ, तो इसके बीच में देखो ये 4 नहीं मिल रहा है और 6 भी नहीं मिल रहा है, तो इसके बीच में क्या है, 5 है। तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना है और जो कम है वही वाला रखना है। 2 दुनी के 4, यहाँ पर हो गया 4, इसको हटाएंगे। अब देखो 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, इस 2 को उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो, कम रहे, बराबर हो सकता है। देखो 2 6 12, देखो 6 बार में 12 आया है, अगर 5 बार में ले जाएंगे तो 10 आएगा, अगर 7 में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। देखो 10 उससे कम है, 14 उससे ज़्यादा है, कितना 12 से, लेकिन 12 बराबर 12 मिल रहा है, इसलिए हम ये वही ही वाला लेंगे, 6 बार वाला ही लेंगे, ठीक है। 2 6 12, अब इसको घटा देंगे, 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, यानी कि ये ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 है, अब अंक इसको उतारेंगे, ये तो 0 है। अब देखो इसमें कौन सा भाग जाएगा, 2 का पहाड़ा में कहाँ 0 आता है, नहीं आता है ना, इसलिए हम 0 बार में ही ले जाएंगे, 1 1 0 बराबर, क्योंकि 1 0 यहाँ पे है ना, तो 1 0 बार में ही ले जाएंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख कर घटा के यहाँ 0 उतार देंगे, या फिर कुछ भी कर देंगे, कटम कुटम कर देंगे, ठीक है, यानी घट गया ये। अब अगला अंक उतार देंगे, यह उतार दिए, अब इसको हल कर दीजिए। देखो 2 को 5 से पढ़ना है कि 3 से आगे ना हो, ज़्यादा ना हो, कम रहे, ठीक है। 2 1 कम 2, 1 बार में 2 गया, इतना आया, 3 से 2 घटेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर 1 उतारेंगे, यहाँ पर 1 उतार दिए, 2 का पहाड़ा पढ़े कि अभी 11 से ज़्यादा ना हो, 2 5 10, 5 बार में कितना आया हमारा, 10 आया, 6 बार जाएंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे, 1 बचेगा, 0 1 घटेगा तो 1 बचेगा, इनमें से 1 गया ख़त्म, एक आपका क्या बचा, शेष बचा, एक आपका क्या बचता है, शेष बचा है। देखो क्या हुआ, देखो कितना आया, 26015 आया इसका भागफल। अब हमें इसको देखो चेक करेंगे कि जो हमने ये भाग किया है ये सही है या गलत, इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। इसे कहते हैं भाजक, ठीक है, इसे कहते हैं भाजक। ये आपका क्या है, भागफल, ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, शेषफल, मैंने लिखा ही पहले। अब क्या करना है, देखो उत्तर का जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए अगर जो फार्मूला है, देखो उत्तर के जांच के लिए जो फार्मूला है, भाजक गुणे भागफल, यानी जो भाजक है ये और भागफल ये हो गया, प्लस शेषफल, इससे आपका क्या है आंसर चेक हो जाएगी कि हमारे जो किया है सही है गलत। चेक देख लेते हैं, भाजक क्या है हमारा, 2 है, गुणे भागफल कितना है, ये हमारा है 26015, लिख लेते हैं 26015, प्लस शेषफल कितना हमारा बचा है, 1 बचा है।
इसको हम हल कर देते हैं। देखो 2 गुणा इसमें करना है, 2 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 1 2 एक जहाँ से जुड़ जाएगा 3, 2 0 0, 2 6 के 12 के 6 सॉरी 12 के 2 होगा ना, यहाँ पर कर देते हैं 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 2 के 4 1 5, ये 5 हो गया। देखो 52,031 है प्लस 1, और इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना होगा ऐसे देख लेते हैं, कितना है इसमें 1 जोड़ देना है, कितना होगा 1 3 0 2 5, कितना आया 52,031। हमारा भाज्य कितना है 52,000, यहाँ पर देख लीजिए 52,031 आया है, और यहाँ पर देखो हमारा जो भाज्य है 52,031, यानी कि जो हमने सवाल ये किया है ये हमारा सही है। इस तरीके से भाग ये वाला किया जाता है और उसका उत्तर जात ऐसे होता है। दोस्तों आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते और शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।